हाँ बताता हूँ पता देखो, है। हाँ जीवन में कुछ करना है तो मन मन के के मारे मारे मत मत बैठो, बैठो, आगे 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 बढ़ना बढ़ना है तो हिम्मत मत हारे हारे मत मत बैठो। बैठो, तेज दौड़ने तेज वाला खरगा, खरगा मतलब खरगोश, खरगोश तेज दौड़ने वाला खरगा कुछ पल चल कर हार गया, धीरे 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 चल चल कर कछुआ देखो देखो बाजी बाजी मार मार गया, गया, देखो देखो बाजी बाजी मार मार गया। गया। क्या बात है, मैंने तो पता पहली नहीं बार मतलब पता चला है कि आप इतना अच्छा सर, मैं ट्रिक गा और भी शेर लेते ऐसे हैं। कि मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, जय बजरंगी जय जय काली, हर हर बम बम बोलो बेली, जलिया वाला बाग मायने डाल। तबेले में आ गया मैं तो। जैसे हाँ बिजराल की पहाड़ी है, उसे कौन सी नदी रख, तो मैंने ऐसे याद रखा, राजा जब विकराल होता है तो खारा होता है, तो हाँ बिजराल से कौन सी है, हाँ खारी नदी है। कठोर, हाँ कठोर क्या होती है, दीवार होती है, तो हाँ कोठारी नदी कहां से निकलती है, दीवेर दिवेर की की पहाड़ी पहाड़ी से से निकलती है। खम्मा कैर खड़ी व खेगा सिद्धांत किसने दिया, अरे यार तेरे को कैर व खेई नहीं आ रहे, मेरे को तो बड़ा हेप आ रहा है, तो हेब ने दिया। तो सर हाँ। मेरी उंगलियों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज धनतेरस के विशेष अवसर पर आपको दो विशेष पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं, और ये आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे, पूरा मोटिवेशनल सेशन देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक प्रेरणा का अलग ही जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। मेरे साथ में आज दो राजपत्र अधिकारी आए हैं, दोनों ही सगे भाई हैं, और एक ही विषय से दोनों का चयन हुआ है स्कूल व्याख्याता में। सुजानगढ़ से थोड़ी ही दूरी पर बिदासर जो ब्लॉक है, उपखंड है, वहीं के रहने वाले हैं। मेरे साथ में है अजय शर्मा और अंकित शर्मा, दोनों ही सगे भाई है। आप दोनों का स्वागत है, अंकित जी और अजय जी। नमस्ते। तो यहाँ पूरा हम जो है इनका जैसे किस प्रकार से तैयारी की, कहाँ से दोनों भाइयों को मोटिवेशन मिला, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, और इनके नवाचार अगर आप देखेंगे जो स्कूल में इनके कुछ विशेष नवाचार है वो भी हम देखने वाले हैं, और क्या ये एक्स्ट्रा जो है गतिविधियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी परंपरा रही है, आप हमारे आज मेहमान हैं, पूरा परिचय देंगे, अजय जी से हमारा कितना पुराना वास्ता वो भी परिचय करवाएंगे आपको। तो जो माल्यार्पण के द्वारा जो जय माला है वो पहनाकर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। ये आप देख पा रहे हैं अजय जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर। और ये है अंकित जी। अब आपको ये बताना कमेंट करके कि दोनों में से बड़ा भाई कौन है। स्वागत है आपका, बैठिए विराजिए। और साथ ही साथ दीपावली है, तो दीपावली पे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप कबूल करें, ठीक है। धन्यवाद सर। तो आपका बहुत अब हम शुरू करते हैं अपना जो है रेगुलर जिस प्रकार से अपना चलता है। तो अपने सारे विद्यार्थी आप रूबरू है अपने चैनल से, सभी फेमिलियर है, अपने फैमिली मेंबर है, और हमें एकदम सहज तरीके से हम जो भी सवाल अक्सर इनके दिमाग में आते हैं वो लगभग मैं लेता रहता हूँ। आपने और भी कुछ पॉडकास्ट देखे होंगे मेरे, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए अजय जी, कि कितने भाई बहन है, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, थोड़ा सा बताइए। सर, मैं बता दूं कि मेरा नाम अजय शर्मा है और हम तीन भाई हैं, जी और बड़े ही बड़ा मैं हूं, और पिताजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और माताजी आंगनबाड़ी का कार्य करके हमें हमारा पालन पोषण किया। बिल्कुल, एक साधारण संघर्षशील परिवार से आप बिल्कुल लोग सर। आते हैं। बिल्कुल और हमें प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो हम मोस्टली एजुकेशन मेरी 5वीं तक तो पापा जी के स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ हमारा एडमिशन हो गया, तो वहाँ फीस फीस वैसे नहीं लगती थी, और 6ठी से लेकर 12वीं तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से रहकर अध्ययन किया है, सेठ दुलीचंद सेठ या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदासर, वहीं मेरी स्कूली एजुकेशन हुई है, और वहाँ मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं, औसत दर्जे का ही छात्र रहा हूँ, तो उस स्कूल में मेरी एजुकेशन वहीं से हुई, और गुरुजनों के प्रति लगाव भी जुड़ा हुआ था, तो शुरू से ही एक आदर्श विद्यालय था मेरे लिए, और हम प्रार्थना बोला करते थे स्कूल के अंदर, अच्छा हाँ प्रेयर क्या, हाँ प्रेयर और हाँ समाचार पढ़ा करते थे, तो जीके अच्छा में इंटरेस्ट सर शुरू से ही था, जी, और एक अनिल जी सर आते थे पढ़ाने, तो वो क्या थोड़े जीके वीके का थोड़ा बताते रहते थे, तो हाँ उन्होंने एक क्वेश्चन बताया था हमको, आज भी याद है, जैसे बिल्लों के घर को क्या कहते हैं,
मेरे आज भी दिमाग में माइंड सेट है कि कु बिलोंग के घरों को ऐसे। बीच में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, अजय जी सर जो है बहुत शानदार जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, जियोग्राफी के लेक्चरर है ये, पुस्तक भी इनकी चलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मार्गदर्शन के लिए जाते रहते हैं और ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो यहाँ कु में भी कोई ट्रिक आ गई होगी। अच्छा फिर आगे क्या रहा सिलसिला? फिर सर मैं पहले दोस्त मेरे ऐसे थे कि उन्होंने मेरे को मजबूत बनाया, जैसे एक पांचाराम भामू नाम का दोस्त था, तो उसने कहा यार तू रोज नाके आया कर, मतलब जनरल बात कह देता था कि यार रोज नाके आया कर, क्योंकि ठंड चूरू में ज्यादा पड़ती है, चूरू जिला अपने सबसे ज्यादा ठंडा है, तो कभी बचपन था छठी सातवीं आठवीं पढ़ते थे कभी बिना नहाए, तो मैंने कहा यार आज प्रार्थना नहीं बोलूंगा मैं, नाके नहीं आया, तो वो कहते रोज नाके आया कर। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया सर, पता नहीं इस महा सरस्वती की कृपा हुई, नाइन्थ में मेरे पहले स्थान आया सर। अच्छा क्या बात है, वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट मेरा वही था मेरे दोस्त के कारण। और दसवीं में दूसरा स्थान आया, इलेवेंथ में मेरा दूसरा स्थान था, और बारहवीं में मैं पहला स्थान प्राप्त किया, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड थे वो तीनों ही हम गवर्नमेंट सर्वेंट में लग गए, तीनों ही जो थे। अच्छा फर्स्ट मेरा था तो मैं आज लेक्चरर हूँ, सेकंड राजस्थान पुलिस में गणेशाराम, थर्ड पांचाराम विद्युत विभाग। अच्छा, जो आप उस समय साथ में थे? हाँ साथ में थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूली एजुकेशन मेरी ऐसी हुई है। तो अंकित जी है आपसे छोटे हैं, है ना? हाँ। तो आप दोनों की एजुकेशन एक स्कूल में होती थी क्या? हाँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई। ये बड़े भाई साहब थे, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था। अच्छा, कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी जो शैतानी वगैरह करते हैं अपन। फिर इनके जाने के बाद धीरे धीरे मैंने भी जो प्रार्थना होती है, समाचार पत्र वाला होता है, वो सब पढ़ना शुरू, गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। ये तो पता ही था कि ये अजय जी के छोटे भाई है। फिर धीरे धीरे जो ऐसा ग्रुप बनता गया। लेकिन एक बार मुझे याद है एक वाक्य, जब हम ऐसे बैठे थे तो सर के पास कोई सिग्नेचर करवाने आए थे। उस समय आपको बताओ तो सर गजिस्ट्रेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी की बहुत डिमांड होती थी, तो उन्होंने उसको तीन चार बार घुमाया और फिर मना कर दिया कि मैं जानता नहीं। फिर मैंने पूछा अपने दोस्तों से, मैंने कहा ये क्या है कि साइन करवाने आ रहे अपने गुरुजी, तो है ये। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है। उस समय थोड़ा बहुत हो गया कि काश हमारे पास भी ऐसा मौका मिले कि हम भी वो गजिस्ट्रेड या राजपत्रित की जो मोहर होती है। बिल्कुल, इसको बोलिए जो बालमन होता है ना, उस समय अपने दिमाग में एक छाप बैठती है। मेरे भी ध्यान में जब मैं 11वीं 12वीं पढ़ता था ना, तो जो व्याख्याता जो थे, जो पढ़ाते थे हिस्ट्री या जो मैम थी हिंदी पढ़ाते थे, उनकी एक छवि थी कि इस टाइप का अपन भी बने, एक रहता है मोटिवेशन वहां से भी मिलता है अपने को। मैं तो 12th का जब एग्जाम था ना, तो सर जब एग्जाम देने विदाई देकर अपन जा रहे होते ना एग्जाम देने के लिए, कभी कल से एग्जाम अब स्कूल नहीं आना, तो मैंने तो स्कूल की मिट्टी सर पे लगा के ऐसे गया था कि एक दिन तेरे स्कूल में दोबारा आऊंगा सर, है ना? क्या? हाँ बिल्कुल। और मैं जब लेवल 2 में मेरा जब पहले सिलेक्शन हुआ था 2018 में, तो मैं स्कूल में गया था उस स्कूल में और मिठाई खिला के आया था स्टाफ को, सर को, मेरे गुरुजनों को। तो कई विद्यार्थियों को ध्यान में नहीं हो तो राजपत्रित का मतलब होता है गजेटेड ऑफिसर, तो गवर्नमेंट के द्वारा वो अधिकृत होते हैं, जैसे ये DDO बन सकते हैं, ग्रीन पेन इनका रहता है, उसके अलावा जैसे कोई जाति मूल निवास आय प्रमाण पत्र पे साइन करते हैं। मुझे भी कोई मूल निवास बनाना साइन कर दोगे क्या दोनों? आप वाकई हमारे साथ भी होता था पुराने जमाने में, क्या मतलब बहुत पहले स्कूलिंग टाइम में थोड़ा ये समस्या रहती थी। आज बहुत सारे आते हैं गली मोहल्ले के भी आते हैं, स्कूल में आते हैं, और जो लीगल है वहाँ पे अपने को करना भी चाहिए। पहले तो मार्कशीट पे भी शायद अटेस्टेड होता था, मार्कशीट की फोटोकॉपी पे, आजकल तो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। लेकिन पहले तो भरते थे ना अपन, तो वहाँ फोटोकॉपियां लगती थी, साइन होता था, जैसे 10वीं की 12वीं की मार्कशीट पर मैं जाता था। बिल्कुल, मैं तो गुरुजी का सदा ही फेवरेट रहा था कि रे अजय आ गया ले कर देते हैं तेरे साइन। फिर आपने, मुझे याद है आप हमारे परफेक्ट कोचिंग में आप आए थे बैंकिंग की तैयारी के लिए, है ना? वो कब की बात है लगभग? सर स्कूल एजुकेशन के बाद क्या है कि 2012-13 के आसपास कुछ हो रहा, लगभग 2000 स्कूल एजुकेशन के बाद सर क्या हुआ कि परिस्थिति ऐसी बन गई घर के अंदर कि यहाँ कोपा में मेरा नंबर आ गया था एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन नहीं कर पाया मैं गवर्नमेंट सीट पे किसी कारणवश, और परिस्थितियां लगभग ऐसी होती चली गई, तो मेरे को प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। 12th के बाद मैंने आदर्श विद्या मंदिर प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया, 2 साल वहां रहा मैं। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने 10वीं 12वीं को इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि सर वहां पर मैं स्कूल पढ़ाने के साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, तो कोचिंग आपकी उस टाइम या विदा से में कोई साधन नहीं था, तो फिर वहां से मैंने आपकी कोचिंग स्टार्ट की सर।
और पहले प्रयास में मेरा आईबीपीएस में हुआ था उस टाइम, अच्छा। आपको याद है और इनके फोटो वोटो भी लगाई थी हमने। हाँ, आईबीपीएस बैंकिंग में मेरा, हाँ। मतलब पेपर क्लियर हो गया था, आगे इंटरव्यू के मैं नहीं बैठा था लेकिन पेपर मेरा क्लियर आईबीपीएस 2000 ये 12 की बात है सर, 12 में मेरा आईबीपीएस हो गया था। जीके की शुरुआत जो है आपके लगभग मान सकते हैं कि परफेक्ट कोचिंग की उधर से ही हुई थी, है ना? आपसे हुई थी सर। जब आज भी मेरे को याद है कि भारत का जब मैप बनाता हूँ मैं, आज भी कहते हैं ना अपने गुरुजनों के गुण तो आते ही आते हैं, तो सर आपने नोटिस किया होगा सर का कभी सर प्लस करके भारत का वो मानचित्र बना देते हैं, शॉर्ट में समझाना था। तो मैं भी आज भी सर आपकी कॉपी करता ही हूँ कि प्लस का चिन्ह बनाता हूँ और तुरंत ही भारत का मैप बना देता हूँ। तो मेरी कॉलेज एजुकेशन हुई नहीं है सर, मैंने नॉन कॉलेजिएट किया है, प्राइवेट किया है, और प्राइवेट में भी एक गुरुजी थे उन्होंने कहा इंग्लिश लिटरेचर ले लेते, तो मैंने फिर इंग्लिश लिटरेचर ले लिया और इंग्लिश लिटरेचर ज्योग्राफी थी नहीं मेरे कॉलेज में, तो प्राइवेट की होती नहीं है ज्योग्राफी, हमने सीधा एमए किया ज्योग्राफी से। हाँ, एमए किया, एमए बीएड करके, है ना? एमए, तो आपको बता दें कि ये ज्योग्राफी के लेक्चरर है और वो भी ज्योग्राफी के लेक्चरर है, दोनों ही ज्योग्राफी के लेक्चरर है और भाग्यशाली है कि घर से 5-7 किलोमीटर के अंदर ही, 10-15 किलोमीटर में इनकी, मेरे तो 6 किलोमीटर है भैया की, 22 किलोमीटर, और दोनों नवाचार भी कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों को मैप वगैरह बनाना, आपको क्या बता रहे थे, जैसे मेरे स्कूल के अंदर ट्रेसिंग टेबल है जिसमें बच्चे खुद ही मैप बना लेते हैं, नीचे लाइट है, कॉलेजों में मैंने देखी थी, तो ट्रेसिंग टेबल दोनों भाइयों की लैब में ट्रेसिंग टेबल लगी हुई है, स्टेंसिल आते हैं तो स्टेंसिल से बच्चे खुद ही मैप वगैरह बना लेते हैं, और उनकी लैब तो देखने लायक है सर की। चलो दिखाओ, देखिए सर देखो, ये आप देख पा रहे हैं व्याख्याता शर्मा ने ब्लॉक मानचित्र का फ्लेक्स। अच्छा, ये अरे सर ये हुआ क्या था कि हमारे सीबीओ सर चेक करने आए थे स्कूल, तो चेक करने आए थे तो मेरी वो ट्रेसिंग टेबल उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने कहा यार मेरे ब्लॉक का चित्र भी बना दे ऐसा बड़ा। हाँ, ये तो फिर मैंने ये ब्लॉक का चित्र है ना, विदा सर ब्लॉक का चित्र ये सर मैंने बनाया है। हाँ, ये मैंने बनाया और सीबीओ सर ने मेरी तारीफ भी की और अखबार में मेरा न्यूज भी लगवाई मेरी। देखो इसके अंदर ये मेरा गाँव है, आपको बता दूं, ये देखो विदा सर, ये अच्छा, और यहाँ सर ये ढाणी कुमारान है जस्ट इसके पास में, यहाँ मेरी ड्यूटी, अच्छा, और भैया की यहाँ है पारेवड़म, अच्छा, यहाँ पारेवड़म ड्यूटी है ना, यहाँ पारेवड़म ही है, बिल्कुल मैं भी इधर सोनिया सर इधर रहा हूँ। तो ये आज भी सर सीबीओ ऑफिस में लगा हुआ है। अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं अंकित जी की लैब है ना, ये ज्योग्राफी की लैब तैयार की है दोस्तों, ऑफिस जैसा लग रहा है ना। हाँ, ये ज्योग्राफी की लैब है, सोचा प्रिंसिपल का चार्ज होगा तो प्रिंसिपल के ऑफिस, नहीं नहीं ज्योग्राफी की लैब, ज्योग्राफी लैब। कितने शानदार देखिए आप, मतलब टोटल सेटअप आपने अच्छा किया है और फिर बच्चों से आप वो यूज करवाते हो। बिल्कुल, नहीं तो आपने क्या होता है वो प्रैक्टिकल के लिए आते हैं ना, उसी दिन देख पाते हैं बच्चे। ये सिखवान पब्लिकेशन, आप अच्छे से परिचयन की बुक्स आती है उसमें आप अजय शर्मा, ये मेरे पास बैठे हैं अजय शर्मा, तो ये लेखक जो है विदा सर, पहले मेरे को मेरे साथ वाले छेड़ देते थे ऐसे कि, हाँ ये वीडियोस भी है वो भी दिखाएंगे कि अजय शर्मा कोई दूसरा होगा, तो फिर मैंने गांव का नाम लिखा दिया नीचे विदा सर। अच्छा, तो फिर मैंने फोटो ही लगवा दी मेरी, ये इनकी जियोग्राफी ऐसे स्टडी करते थे। ये अंकित जी की लैब है, हाँ इसमें थोड़ा सा वीडियो चला के दिखाता हूँ मैं, तो जो है वो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन देते रहते हैं, ना बैठे रहो बैठो बैठो, ऐसे मार्गदर्शन देते रहते हैं बहुत बार मोटिवेशनल के लिए जब भी बुलाते हैं, जैसे आज मैं आया हूँ तो सर गांव के अंदर कहीं भी, है ना, बिल्कुल बहुत, हाँ गांव के अंदर अपन कहीं भी। एक इनका है अंकित जी का, ये इनकी लैब का है, ये देखो अंकित जी की लैब, तो अच्छा अच्छी फीलिंग आती है कि जब एक गवर्नमेंट विद्यालय में जो साधारण परिवार के बच्चे आते हैं और अपन उनके लिए अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, तो उसका ये अलग, सर बहुत बड़े बड़े मैप लगवा रहे हैं, अलग फीलिंग आती है और लगता है कि वास्तव में ज्योग्राफी के लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, चलिए बैठिए, तो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से अब अपन आते हैं कि भाई सर्विस से पहले आपने बताया कि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते थे, फिर आपने तैयारी का विचार जो है आपने कब बनाया था, जैसे वैकेंसी आई उसके बाद या पहले से था, कैसे क्या तैयारी की, थोड़ा आप बताइए। सर मेरा कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, मैं हताश हो गया था एक तरह से देखा जाए तो। 2009 से तैयारी स्टार्ट किया था, 2018 तक 9 साल का मैंने तैयारी के अंदर दंस झेला एक तरह से कह सकते हो, हालांकि मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, नॉन कॉलेजिएट चल रही थी, तो मैं 2015 में यहाँ से विदा सर से छोड़कर पिछामण चला गया सर, और वहां पढ़ाने लग गया धीरे धीरे, कोचिंग क्लासों में ज्योग्राफी की क्लासे लेने लग गया और पढ़ाने लग गया सर। तैयारी का तो मतलब एक बार मैंने केवल
सोची ही नहीं कि मैं नौकरी लगना है, मैं तो केवल पढ़ाता गया पढ़ता गया, जैसे वो फल की इच्छा ना करे वैसे कंटिन्यू मेरा मैटर तैयार होता गया। फिर वैकेंसी आई, उसके बाद में थोड़ा अलग तैयारी की होगी, या साथ में स्कूल ज्वाइन रखी या छोड़ दी? कोचिंग ज्वाइन रखी सर। अच्छा, और 6 फरवरी को मेरी शादी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं। ओ, क्या बात है। और 11 फरवरी को रीट का पेपर था। इनके भी शादी हो रखी है क्या? नहीं, इनकी नहीं हो रखी। चलो, 6 फरवरी को शादी थी, 11 का मेरा रीट का। अच्छा, व्याख्या था, कोई ध्यान आया तो बताएंगे। 6 फरवरी को मेरी शादी थी, 11 फरवरी को मेरे रीट का पेपर था। अच्छा, तो तैयारी कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि लास्ट का एक महीना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपकी कंटिन्यू अगर तैयारी की भी है ना, कंटिन्यू आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो वो आपके बाद आनी बनती है। हाँ, एक लॉन्ग टाइम की तैयारी हो तो फर्क, हाँ, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बात का। अचानक मान लो 10 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो 6 फरवरी को मेरी शादी थी, 11 फरवरी को रीट का पेपर था, तो उसी रीट में सर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी रीट में मेरा सिलेक्शन हुआ, अजमेर में मेरी लगभग टॉप 100 में अजमेर जिले में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 700 सीटें थी अजमेर जिले में। इंग्लिश से मेरा लेवल 2 में सिलेक्शन हो गया था 2018 में। पढ़ाते पढ़ाते ही मेरा, आप ज्वाइन किया था क्या आपने? ज्वाइन किया मैं 2018 से। मैं नहीं, 2018 में मैं सर अच्छा ज्वाइन कर लिया, अजमेर चला गया। अच्छा, ये मेरे रीट तक का ये सफर रहा 2018। तैयारी करता रहा सर, और मेरे को बीएलओ का चार्ज भी दे दिया गया। अच्छा, स्कूलों के अंदर चुनाव का बीएलओ सुपरवाइजर बन सकता है। तो बीएलओ का जब चार्ज दे दिया गया तो मैं, काम भी काफी रहता है, काम रहता है। 2020 की जब भर्ती आई ना सर, हाँ, तो इसमें 2 गुना में हुआ था। अच्छा, 2 गुना में हुआ, और फाइनल सिलेक्शन से मेरा 8 नंबर कम रह गए। तो मैंने एक स्टेटस लगाया था कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा, बस इतना डालकर मैं एकदम साइलेंट हो गया। तैयारी करता था सर, कंटिन्यू तैयारी, वापस उड़ गए आप, हिम्मत नहीं आ रही आपने, हिम्मत नहीं आ रही। तो यहाँ ये देखने वाली चीज है कि आपको, अब जैसे मैंने इनको बुलाया, आपको लगा कि कई बार तो एक पूरे गांव से एक सिलेक्शन नहीं होता, और यहाँ एक घर से 2 सिलेक्शन हो गए, 2 सगे भाइयों का, और बीच में आप देख पा रहे हैं कि इतनी एसओजी काम कर रही है, इतनी इस आपने इस चीटिंग के दौर में आप ये मान लीजिए कि सिलेक्शन लिया है, तो एक चैलेंजिंग था वास्तव में, और एक घर से 2 सिलेक्शन हुए हैं। तो आप सफलता देखते हैं ना तो सीधा लगता है कि सीधा ही हो गया होगा, जबकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक असफलता की और संघर्ष की कहानी भी होती है। ऐसा ही सर, इसको 2 बार इंटरव्यू में बार हुआ है, मतलब इंटरव्यू दे एसआई में 2 बार इसने इंटरव्यू दिया, 2 बार आरपीएस में इंटरव्यू दिया। दुख तो होता ही है सर कि एसआई में इसका नहीं हुआ, अभी थानेदार होते हैं, थानेदार होते हैं। हालांकि चलो व्याख्या था, वो व्याख्या था बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे महसी है उनका सब इंस्पेक्टर में भी हुआ था और व्याख्या में भी हुआ था, तो दोनों कंफ्यूजन था क्या ज्वाइन करें क्या ज्वाइन करें। लास्ट में उन्होंने व्याख्या था ज्वाइन कर रखी, कि एक अलग सेटिस्फिकेशन यहाँ पे, खैर अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी चॉइस भी होती है। तो अभी वो व्याख्या था है, मैंने लगाया था जब पहले ये जब दूसरा इसका इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू देने के लिए ये मैंने वही बुला लिया विजयनगर इसको, कि यहीं से इंटरव्यू देने जाए, क्योंकि अजमेर इंटरव्यू था इसका। संघर्ष इनका बहुत अच्छा है, 2 बार 2 भर्ती तक लगातार फिजिकल दिया था मैंने, फिजिकल में पूरा फिट था, पूरे कोटा संभाग में जब फिजिकल हुआ था, पूरे कोटा संभाग में सबसे अच्छे नंबर थे, 100 में 100 नंबर थे दोनों बार फिजिकल में। क्या बात है। लेकिन इंटरव्यू में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ भी कहे, जैसे किस्मत का खराब मानना कहे या बढ़िया कहे, अच्छा कि आज अच्छा हुआ, इंटरव्यू में मुझे मिनिमम मार्क दिए एक बार तो, और एक बार सुप्रीम मार्क दिए। अच्छा, दोनों बार इंटरव्यू में अलग अलग जो उनकी, फिर भी दोनों में नहीं, फिर भी नहीं, वो रिटर्न का कुछ रह जाता, देखो अलग अलग इश्यू है। फिर इसमें जैसे आप अगर कोई माने कि आपका कोई फिक्स टाइम टेबल था क्या, कि भाई जैसे पहले आपसे फिर आपसे दोनों से जानेंगे कि आपका क्या टाइम टेबल था, कैसे पढ़ते थे, कोई फिक्स था या जितना समय मिला उतना पढ़ लिया, क्या रहा, कोई ऐसे कुछ याद है कैसे फिक्स? सर स्कूल ज्वाइन थी मेरी, हाँ, तो जैसे 7 बजे वाले टाइम का रूटीन लेते हैं, तो 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल पढ़ते, तो 1:30 बजे मैं घर आ जाता, घंटे 2 घंटे सो लेता आराम से, 3:30 बजे मैं उठ जाता, 3:30 बजे उठने के बाद किताब पढ़ने लग जाता, तो फिर जैसे इसको कोई टॉपिक करवा दिया, एक इसके साथ और जुड़ गया था चांदमल सुकड़िया, वो भी आ जाता घर पे, तो 3 जने हम मिलकर पढ़ाई करते थे, तो ये सिलसिला चलता था रात को 10 बजे तक, यानी 6-7 घंटे आपको मिल जाते। हाँ। नींद भी ले ली, स्कूल भी कर ली, यानी रोजगार का जुगाड़ भी हो गया, रेस्ट भी हो गया, और फिर आप, हालांकि थोड़ा यहाँ जो गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है ये, कि वो जॉब करें फिर घर को संभाले फिर पढ़े, तो वहां मैं कई बार ये सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो फिर जॉब छोड़ें या फिर पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ घर के काम में थोड़ा काम एडजस्ट करें, फिर वो होता है या घर वाला, हाँ, फिर सारे काम और इधर अपने
जॉब वाला और पढ़ाई, तीनों साथ नहीं हो सकते, दो तो साथ कर सकता आदमी, जैसे मेरे जॉब और पढ़ना, तो गृहणियों के क्या है कि गृहणी का कार्य कर लो और पढ़ाई कर लो, दो काम हो सकते हैं। फिर इसमें चलो आपका ये एक रूटीन रहा, लगभग कंटिन्यू रहा होगा आपका? मेरा सर कंटिन्यू 2018 के बाद 5 साल तक रूटीन रहा ना। सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स, पहले में आप डबल में अच्छा, सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरे लगभग 114 क्वेश्चन सही हुए थे, काट भी था ना। ज्योग्राफी आप घोट के पी गए? हाँ सर। ज्योग्राफी से कौन सी पुस्तकें पढ़ी, किस प्रकार से तैयारी करें, ये जो अलग से इनका एक वीडियो लगाएंगे, दोनों भाइयों का साथ में लगाएंगे, ये कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, वो जो बुक्स लिस्ट है वो अलग से लगाएंगे। रूटीन तो इसका था मस्त, बता भाई अंकित रूटीन आपका क्या रहता था, क्योंकि आपका अंकित का रूटीन जानोगे आप मजा आएगा। मेरा मेरे रूटीन में केवल ये जो बता रहे हैं भाई, आप थोड़ा सा थोड़ा और पीछे जाइए कि ज्योग्राफी का भाई पहले आपके क्या, थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ऐसे है कि सर मैंने 12वीं की, क्योंकि यहाँ जैसे अब कई परिवार में भी है तैयारी करवाते हैं, महेशी का मैंने देखा था, महेशी ने अपने छोटे भाई को तैयारी करवाई सब इंस्पेक्टर के, और खुद का सिलेक्शन भी हो गया, छोटे भाई रह गया खुद हो गया, तो फिर क्या रहा आपका? तो 12वीं तक मेरे कॉमर्स थी, हाँ। उस समय ये क्रेज था कि कॉमर्स लेते हैं, थोड़ा बिजनेस करेंगे, सीए हाँ, बनेंगे, हाँ, फिर धीरे धीरे बीकॉम की, फिर एमकॉम की, एमकॉम के बाद मुझे लगने लग गया कि इस फील्ड में थोड़ा सा अपना थोड़ा हटके, जैसे भाई साहब ज्योग्राफी का कर रहे थे, हाँ। तो मैंने कहा एमए कर लेते हैं, तो हम दोनों की एमए जो है कोटा ओपन से हुई है, प्राइवेट जो करवाती है वहां से हुई, फिर मैं बीएड करना नहीं चाहता था, मैंने कहा था मैं थानेदार है अपन, थानेदार का तैयारी कर रहे हैं, जय हिंद जय हिंद बोलने लग गया था सर, फोन आता था ना तो कोई भी होता था जय हिंद सर, अच्छा ना फीलिंग भी वो आती फीलिंग था, वो आने आता था ना। फिर बीएड की, और बीएड के बाद जब मैंने आरएस मेंस का दिया, आरएस प्री क्लियर हो गया था, मेंस के बाद मुझे लगा कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, और भाई साहब ने कहा तैयारी कर ले, अब आप थानेदार बनाते हो ना, तो बच्चों को थानेदार बनाते हैं, तो फिर इनके सानिध्य में मैंने, मेरे रूटीन फिक्स था, ये स्कूल जाते थे, मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी, आपने स्कूल ज्वाइन नहीं, स्कूल नहीं ज्वाइन की, मैं इनके पास ही था, हमारे घर चला रहे थे, मैं लाइब्रेरी जाता, फिर लाइब्रेरी से ये स्कूल से आ जाते, मैं लाइब्रेरी से आके थोड़ा सा आराम करके, फिर थोड़ा सा आराम, वो आराम थोड़ा सा आराम, तो 3-4 घंटे की नींद ले लेता था, नींद मैं कहता हूँ नींद, अगर नींद लेंगे तो थोड़ा दिमाग तेज चलेगा, अपन मोबाइल की बजाय अगर 1-2 घंटे मोबाइल चलाते हैं, इससे अच्छा है कि अपन नींद ले लें, तैयारी कर ले, तैयारी में नींद का मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण योगदान, बिल्कुल बिल्कुल, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है एकदम, जैसे उसके बाद पढ़ते हैं ना तो मन लगता है याद रहता है। और दूसरा रूटीन मेरा ये फिक्स ही रहा है कि जब भी मैं नींद लेके उठता था तो मैं पहले रिविजन करता था, ये मेरी एक विशेषता है कि भी चाहे 2 घंटा ही पढ़ना है नींद लेके उठ के, तो पहले मैं रिविजन करूंगा जितना पढ़ा हुआ है, जैसे मॉर्निंग से फिर दोपहर में शाम को, यानी कि 8-7-8 घंटे, 7-8 घंटे आराम से हो जाते, और ये जॉब करके निकालते हैं, मैं जॉब करके 6-7 घंटे निकाल जाता हूं। आपका कारण है कि आपका थोड़ा रूटीन लंबा था, ये नए थे, कि 6 महीने भी किया ना, मैंने केवल 6 महीने में, 6 महीने सब कुछ किया, क्या बात है, 6 महीने और ग्रेड को दिया आपने, और जिस टाइम ये कर रहा था ना तैयारी, तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि रीट की करवा दे इसको, क्योंकि इसका बीएड रिजल्ट नहीं आया था सर, एसआई का दे रखा था इन्होंने ना, आपको बताना अलग वीडियो में कि 6 महीने में कैसे तैयारी करें, कभी नहीं भर्ती है उसमें, हो सकता है अधिक समय मिले पर न्यूनतम तो 6 महीने मिलेंगे मिलेंगे। सर एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कितनी तारीख को था, 15 और 16 अक्टूबर, 15 और 16 अक्टूबर, 15 को फर्स्ट पेपर था और 16 को सेकंड, रिजल्ट कब आया बता? मेरा रिजल्ट आया 10 अक्टूबर को। अच्छा, मेरे से ज्यादा इनको चिंता हो रही थी, इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा भाई एग्जाम फेल हो पास हो तो आगे की बात है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आएगा एग्जाम से पहले तो बैठेगा कैसे, देखो इतने मेहनत की हुई सारे के सारे पानी में मिल जाते, फिर सर अपने ऊपर वाले को हाथ जोड़ा गोगा जी महाराज को कि रिजल्ट कार्ड दे, सिलेक्शन का नहीं है तो आप 15 अक्टूबर से पहले पहले रिजल्ट निकाल दो, उसके लिए प्रसाद ही है, तो जब रिजल्ट आया ना 10 अक्टूबर को तो हमने मिठाई खाई सर, चलो बोलो गोगा जी महाराज की। उस समय ये कह रहे थे तुझे इतनी नींद कैसे आ रही, तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तू पढ़ाई कैसे कर रहा है, मैंने कहा वो भगवान पे है, जो अपन करेंगे अपनी काम है मेहनत करना, बिल्कुल देखो बहुत है ऊपर वाले साथ तो देता है मेहनत में, और हमारे एक और है ऐसे सर जो आज इंग्लिश में है, उनका भी रिजल्ट जो है ना ये लमसम इसी टाइम से आया था, तो उस समय एक बड़ा एक तलवार सी लटकी रहती है कि क्या होगा, पेपर इतना अच्छा चलाएगा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। फिर जैसे ये सोशल मीडिया वाला है कि आप मोबाइल
एंड्रॉइड यूज करते थे तैयारी के दौरान, वीडियो देखते थे यूट्यूब वगैरह पे, व्हाट्सएप चलाते थे, क्या मामला था? यूट्यूब से भी कुछ मदद मिली, ऑनलाइन पढ़ा ऑफलाइन पढ़ा, बताइए, दोनों ही बारी बारी बता सकते हैं, साथ में बता दो। मेरा बता देता हूँ कि जैसे स्कूल में रहता था तो मोबाइल चलाने का कोई मतलब नहीं, चलाता ही नहीं था पूरे स्कूल में। जैसे मैं 11th 12th को पढ़ा रहा था तो 11th 12th पढ़ाने से मेरे एनसीईआरटी पर मजबूत पकड़ हो, हालांकि मैं लेवल 2 था लेकिन इंग्लिश का कोई लेक्चरर नहीं था, तो मैं 11th 12th ज्योग्राफी पढ़ा रहा था अपने, वहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी। और घर आने के बाद जस्ट एक मिनट, तो एनसीईआरटी तो 11 बार आपकी वैसे तैयार थी, तैयार थी और मैं पिछली भर्ती में जिस तैयारी की थी ना तो मेरे तकरीबन 244 एक नंबर थे और कट ऑफ 260 गई थी। तो मेरे एक मित्र का सिलेक्शन हुआ था, उसको मैंने पूछा था पहले कि यार तेरे 291-92 नंबर कैसे है, कविंदर सिंह नाम था उसका। तो उसने कहा यार तू प्रैक्टिकल के लिए क्या पढ़ता है, जेपी शर्मा कभी पढ़ी? मैंने कहा तो क्या सविंदर सिंह पंडित जो मेरे पास नॉलेज था एनसीईआरटी उसके बेस पे मैंने एग्जाम दिया कि नहीं कुछ बुक्स लानी पड़ेगी। एक मेरा सिक्कर मित्र रहता था मुकुल शर्मा, उसने मेरी काफी मदद की सर, किताबें विताबें बताना है, जैसे उसने कहा कि अपने एनसीईआरटी पढ़ो ठीक है, इसको ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिकल की जो बुक है जेपी शर्मा की वो पढ़ो ठीक है। इससे पहले मैंने कॉलेज लेक्चर भी कर चुका था सर मैं तैयारी बीच में, तो मेरे को बुक्स वगैरह का सारा नॉलेज हो गया। इस प्रकार से मैं कंटिन्यू पढ़ रहा था बुक्स को, मोबाइल सोशल मीडिया का ज्यादा यूज, और सोशल मीडिया का यूं है कि सर टाइम ही नहीं मिलता था, कोई फेसबुक पर चला लिया कोई है ना, और कोई फेसबुक चला ली, कोई नॉलेज से संबंधित देख ली। हाँ एक चीज और, करंट के आपके जरूर देखे सर मैंने क्योंकि आप मेरे शुरू से एक फेवरेट गुरुजी के रूप में रहे जी। तो करंट के आपके वीडियो देखता था सर, आपके वीडियो देखने में ये खास बात रहती है कि आप बच्चों का टाइम वेस्ट कम से कम करते हो, करते ही नहीं हो मतलब न के बराबर, बाकी वीडियो दिखाते हैं ना ये वे और माहौल बना देते हैं, एक पर्सन को 10 मिनट तक गुणगान करते हैं। आप क्या है कि जैसे पीडीएफ पढ़ाते हो, जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह मंगल वगैरह पढ़ाते हो, तो आपका वीडियो मैंने देखा 10-15-20 मिनट का वीडियो है, घंटे 2 घंटे में तो आप 6 महीने का रिविजन करा देते हो, तो ये स्पेशल रहा। और मैं बच्चों को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि कंटेंट आपको चूज करना आना चाहिए, आप किसके कंटेंट देख रहे हो, तो ये बाकी मैं वीडियो सर नहीं मैंने कहीं किसी का नहीं देखा अपने तो। मतलब इसमें करंट अफेयर अभी भर्ती आई है तो मैंने विद्यार्थियों को बोला है कि कंप्लीट जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं करवा दूंगा, एग्जाम तक करवाएंगे, कंटिन्यू अपना करंट अफेयर चैनल पे आता है और राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड वाला, और उसके अलावा पीडीएफ भी नोट्स के रूप में अवेलेबल करवाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। और एक और हमने नवाचार किया इस बार, डिमांड थी वीडियो क्लासेस के लिए, हम लंबे समय से ले रहे हैं, तो इस बार हमने स्कूल व्याख्याता का पहला पेपर जो कंप्लीट पेपर है, हालांकि काफी चैलेंजिंग है, अंग्रेजी पे पढ़ाओ, विज्ञान है और गणित है, सारे सब्जेक्ट अलग अलग है, फिर भी हमने सभी आप ही की तरह जो टॉप फैकल्टी है उनको लेकर हमने जो है वो कंटेंट दिया है। और जियोग्राफी अभी बाकी चल रहा है राजस्थान का, तो वो अजय जी को जिम्मेदारी हम देंगे, दे देगा चलो राजस्थान की जियोग्राफी अजय जी करवाएंगे, क्योंकि जियोग्राफी अच्छे से करवाते आ रहे हैं ये और ट्रिक से करवाते हैं, तो जियोग्राफी ये करवाएंगे, बाकी हमारा वो चल रहा है और उसमें भी निश्चित रूप से यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, वहां से आप जुड़ के आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। सोशल मीडिया का तो इसका भी थोड़ा सुनी लो, क्या सोशल मीडिया का बैकग्राउंड, स्कूल गए थक गए आप तो घर पे थे, लाइब्रेरी गए, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाके सोचते हैं क्लास लेते हैं और फिर क्लास फेसबुक रील, और पहले वो सोशल मीडिया चलाते थे। सोशल मीडिया के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था, मैंने कहा दोनों चीजें साथ नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है सर, अपन शुरू तो करते हैं कि बस 5 मिनट का इंटरटेनमेंट करेंगे और वो 5 मिनट कब 2-2.5 घंटे में बदल जाता है वो पता नहीं चलता, दिमाग और थक जाता है। तो मैंने एक तय किया, मैंने कहा अपन फेसबुक, आज तक मैंने कभी फेसबुक डाउनलोड नहीं की, आज भी मैं लग गया सर्विस फिर भी मेरे फेसबुक है ही नहीं, मैंने 4-5 साल हो गए, इंस्टाग्राम वगैरह आ रही है तो मैंने यूज किया ही नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह। अब मुझे पता था कि कई बार क्या होता है सर, पढ़ाई करते तो 1 घंटे पढ़ने के बाद वो होता ही है, साइकोलॉजी में पढ़ने पढ़ रखा है, 40-45 मिनट के बाद थोड़ा सर दर्द करने लग जाता है। मैंने कोई जैसे मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया या फिर कोई भी कॉमेडी वीडियो देख लिया, फिक्स टाइम रखता था कि भी 10 मिनट है तो 10 मिनट का 15-20 मिनट हो जाए। आजकल तो बहुत सारे ऐप भी आ गए जो बताते हैं कि आप स्क्रीन पे कितना टाइम बिता रहे हो, तो मिनिमम टाइम करके फिर मुझे लगता है कि सर दर्द कर रहा है तो सोशल मीडिया की वजह से सो जाओ। मेरे सोने में थोड़ा ज्यादा था, मैंने कहा
माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। सर ताज्जुब की बात है कि व्हाट्सएप पे अपनी फोटो ही नहीं लगा रखी, स्टेटस लगा रखी और नया स्टेटस कभी लगाता है? हाँ स्टेटस लगाता है, कब कब लगाता है बताओ। एक तो मैं खुद के बर्थडे पे लगाता हूँ और इनके अलावा जो कलाम जी का बर्थडे आता है एपीजे अब्दुल कलाम का, और देखो किस्मत ही कह सकते हैं सर, जिस दिन हमारा फर्स्ट पेपर था 15 अक्टूबर को उसी दिन उनका बर्थडे आता है कलाम साहब का, बिल्कुल स्टूडेंट डे के दिन। उसी दिन मैं पिछले 5-7 सालों से उसी दिन स्टेटस लगाता हूँ, बाकी सोशल मीडिया क्योंकि इसमें क्या टाइम ज्यादा समझता है, फेसबुक की फोटो लगाई। अब लोग कई बार दिखावा ज्यादा करते हैं, बाहर अलग फोटो लगा रहे हैं, घर पे मामला अलग है, और फिर फोटो लगाई फिर उसको लाइक करो फिर उसको वापस थैंक यू बोलो, फिर उसमें स्टेटस में यही है। कई बार लाइक कम आ जाते तो दिक्कत हो जाती है, लाइक कम आ गए अपने। टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंट को ना इन चीजों से बचना चाहिए। हाँ कंटेंट अच्छा आपको मिल रहा है, जैसे आज यूट्यूब है तो यूट्यूब पे आपको इंडिया के टॉप टीचर भी आपको मिल जाते हैं, तो अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है कोई क्लास में कोई सब्जेक्ट में वो आप वहां से देखिए, परंतु उसमें थोड़ा संयम रखना पड़ेगा कि भी आप केवल वो खोल ली क्लास और फिर उसको कंट्रोल्स रखे। जो भी आपको नहीं आ रहा ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप समझ रहे हो, तो उसको अपन यूट्यूब पर देख लेना चाहिए और ऐसे चुनाव करना चाहिए जो फेकोलॉजी को। आजकल यूट्यूब पर क्या है, व्यू पर जाते हैं लोग, करोड़ों 2 करोड़ व्यू और वो रील बना देते हैं कुछ भी कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, भले उस पे व्यू कम हो, भले उस पे है ना। अब लोग कहते हैं दबा के शेयर करो, दबा के शेयर करने के लिए थोड़ी आएगा सर, पढ़ने के लिए। अब वो शेयर करता रहेगा तो कब खुद कब पढ़ेगा, तो फिर उसमें जो है ये भी है। हाँ ये सब चीजें तो है ही है। और किस्मत की बात हो तो मेरे साथ सर एक वाकया घटा हुआ है, हल्का सा एक मिनट का बताता हूँ। बिल्कुल जरूर। हाँ मेरा जन्म भी गोगा नवमी को हुआ था, ठीक है। मेरा जब रेट का सेंटर आया ना तो नोहर के आगे इधर अपने नोहर है बोगा मेडी के पास में, नोहर जस्ट 5-7 किलोमीटर वहां मानगढ़ में, तो धुरमेडी है वहां, तो वहां मेरा सेंटर आया था। तो 2 हो गए, मैंने सुबह दर्शन किए थे आराम से। और सबसे ताज्जुब की बात सर, एग्जाम के एग्जाम वही सेंटर आया मेरा। इससे क्या होता है, अपने एक अंतर ये अंदर एक आत्मबल जागृत होता है, जैसे आपका लोक कलाम साहब का था आदर्श था, आपके गोगा जी है। अब लास्ट क्या हुआ सर, रिजल्ट है ना मेरा L2 का जिसमें मैं नौकरी लगा, हम रात को कृष्ण जन्माष्टमी को घूम रहे थे और अगले दिन मेरे दोस्त को मैंने कहा था, उसी दिन मैंने कहा यार तू घर चल वहीं सो जाना मेरे रूम पे, ताकि सुबह रिजल्ट आने की सूचना मिल रही है तो कहीं मेरे हार्ट बीट नहीं बढ़ जाए, तो उसको साथ में ले गया और गोगा नवमी को मेरा रिजल्ट है। ये एक सुखद संयोग होते हैं, अपने जहां आस्था होती है उसी दिन सब काम हो रहा है, तो अपने को पहले संकेत मिल जाता है ये अपना इस बार पॉजिटिव मेरा ये राय है। तो अब गोगा जी को मैं अच्छे से बहुत देने भी गया, आपने कहा यार ये अच्छा काम हुआ। और मेरे जैसे बुधवार का ऐसा कुछ रहा है, जैसे बुधवार को मेरे बच्चे का जन्म हुआ, बुधवार को बहुत सारी अच्छी अच्छी कोई काम होते, तो बुधवार के दिन संयोग, तभी मैं ज्यादातर शुरुआत कोई टेस्ट सीरीज की और की करता हूँ बुधवार को करता हूँ। कुछ चीजें ऐसी लिंक होती है, बीकानेर से मेरा रहा है, जैसे एग्जाम में बीकानेर चूज करता था पहले कि मुझे जो एग्जाम देता हूँ सिलेक्शन होता है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, हालांकि आरएस में चलो नहीं हुआ, परंतु एक जुड़ा हो जाता है अपना कि भाई वहां से ऐसा कुछ होगा पॉजिटिव। तो चलो अब दोनों भाइयां बैठे हो, पहले ये छोटे भाई इनसे पूछते हैं कि बड़े भैया की आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, खास बात सबसे टॉप आपको लग रही है, आप एक बार बोल जाओ कि बड़े भाई है। नहीं इनकी सबसे जो मैं हमेशा ही कहता हूँ स्कूल में भी बच्चों को कहता हूँ हर बार कहता हूँ, तो इनमें जो फाइट करने के, कई बार क्या होते हैं कि भी एक बार असफल हो जाते हैं कोई भी चीज कभी भी, इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मान लो कोई एग्जाम नहीं हो तो इनका एक वो स्लोगन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो स्लोगन है मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ये कहता है कोई बात नहीं इस बार नहीं हुआ कोशिश करेंगे और हार नहीं माननी, अंडरटेकर वाली कहानी है कि हार नहीं मानेंगे। और ये जो जज्बा है ना ये केवल फर्स्ट ग्रेड या कोई इस गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी जीवन में चले जाते हैं वहां भी ये चीज काम आती है अपने बहुत अच्छे जी। मैं अंडरटेकर को सामने वाला मारने वाला थक जाता है, अंडरटेकर वापस चढ़ा हो जाता है, तो वो मैं अपने आप को यूं मानता हूं कि कंपटीशन एग्जाम कितना फाइट कराएगा। बिल्कुल देखो आज आपने 27 एग्जाम में सफल हुआ था सर, मैं बैंक के हर साल 6 एग्जाम होते थे, क्लर्क पीओ आरआरबी पीओ सब में असफल ही था, कौन सा सफलता में। अगर उन्होंने बैंकिंग लाइन को छोड़ के फिर ज्योग्राफी में आए, फिर उनके भाई है वो भी ज्योग्राफी में, एक इनके छोटे भाई और है तीसरे वाले वो भी ज्योग्राफी से, उसको ज्योग्राफी दिला दी मैंने। एक चीज और अब वो तैयारी कर रहा है सर, मैं एक स्पेशल बैच चला रहे निःशुल्क जिसमें 6 घंटे पढ़ाते हैं, वाले के बच्चे पूछेंगे हम भी आ जाएंगे क्या, परंतु वो खैर आगे रहेगा क्या रहता है उसमें, तो
तो लगभग इनके कुछ एक एक बच्चे हैं, कितने 15-20। अरे हुआ क्यों सर, मैं गांव गया तो आपको पता है लगे हुए के पास सब मोटिवेशन लेने आते हैं, तो भूगोल वाले थे तो आगे कि सर ये प्रश्न बताओ ये प्रश्न बताओ, तो मैंने कहा यार बताना ही है तो तबीयत से बता देते हैं, अब घंटे दो घंटे में उनके सोल्यूशन करा देता हूँ, घंटे दो घंटे ये सोल्यूशन करा देता है, तो बच्चे क्या है कि सर हम यही बैठ जाएंगे, तो बैठे रहते हैं, एक अपना घर है अलग से, तो वहां बैठे रहते हैं बच्चे, पढ़ते रहते हैं, और शाम को हम फ्री होके उनको थोड़ा बहुत बता देते हैं, मार्गदर्शन कर देते हैं, ये कर देता मैं कर देता हूँ, अच्छा, और मेरा एक दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बांगड़ कॉलेज में लगा हुआ है श्रीचंद सिंपा, वो कर देता है, तो हम कर देते हैं। अब आजकल हमने छोड़ दिया गया, तो अपने YouTube चैनल की शुरुआत इसी से हुई थी, मुझे पूछते थे स्कूल व्याख्या के लिए क्या पढ़े, तो मैं बार बार कोचिंग में बता, मैंने सोचा नहीं वीडियो बना के डाल दे, और वो वीडियो वायरल हो गया, और उसके बाद में फिर आनंद भी आने लग गया, और आज तो अपने हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, तो आपने इनकी अच्छी बात बताई, चलो एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट इनकी जो नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं, और इनको चाहे वो पॉजिटिव भी मान सकते हैं, अगर इनकी कोई चीज मेन मटेरियल संबंधित कोई चीज अगर नुकसान हो गई, मान लो कोई गुम गई वगैरह, इनको बहुत गुस्सा आता है, और ये बात मुझे इससे भी अच्छी लगती है, उस समय तो गुस्सा आता है, ये कह देते हैं मतलब किताब जो मान लो उन्होंने कहा 100 रुपए गम गए कोई बात नहीं, किताब अगर गुम गई तो सही है, देखो किताब अपना प्रेम होता है, उसने पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, वो पुरानी किताब अपन जैसे मैंने किसी को किताब दी गुरुजी, मैंने कहा वापस ला के दो, अपनी पढ़ी हुई है उससे जुड़ाव है, मैं तो कह देता हूँ सर नई किताब ले जाओ भले, पुरानी मत ले जाओ, क्योंकि पुरानी में अपने, और एक किताब मेरे को नहीं मिली थी तो मेरे को याद है मैंने इनसे पूरा घर साफ करवा लिया था, मेरा किताब गई तो कहीं का। चलिए इनकी कोई आपको विशेष बात, इसकी विशेष बात है जितना इसको वर्क देता हूँ ना उतना ये कंप्लीट करता था, अब ये ज्योग्राफी जैसे मैं जाता था तो ये और चांदनू सुखड़िया दोनों तैयारी करते थे, तीनों का लेक्चरर में हुआ सर हमारा, क्या बात है, उसका चांदनू सुखड़िया का भी हुआ, जैसे मैं इनको देख के जाता था कि 400% आज करने, अब ये बंदा क्या करता था सुबह बैठता था घंटे दो घंटे तीन घंटे में करके बैठ जाता था, सो जाता था आराम से, जितना इसको वर्क दिया ना, अब अगले के मेरे को इसकी पहले क्षमता पता नहीं थी, बाद में पता चला यार ये तो 1000% भी कर सकता है, तो मैं पहले क्या मैंने कहा 300-400 कर तो सकता होगा, तो इसकी पॉजिटिव बात थी, ऐसा ही जैसे तैयारी की तो उसमें भी आपका मार्गदर्शन था, वो इनका अलग था ऐसा ही वाला, नहीं मेरा मार्गदर्शन था फर्स्ट पेपर, इन्होंने फर्स्ट पेपर पूरा, और हिंदी में मेरे रूममेट थे एक व्याख्या था मनोज कुमावत सर, तो हिंदी का मार्गदर्शन लगातार उनका मिलता रहा, और रविंद्र गौड़ सर है कुचामन के, तो उनका भी मार्गदर्शन इनको, ये जो क्वालिटी है ना वो एक बहुत बड़ी चीज है, जैसे इनको इन्होंने आपको बड़ा भाई के साथ गुरु भी माना, या कभी जो आपको गाइड कर रहा है आपको उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जितना दिया है वो आप फॉलो करोगे तो बहुत बड़ा इसका रिजल्ट मिलता है, ऐसे हमारे एक और देवकरण जी सर है और संजय पाल सर को आप जानते होंगे आते हैं, वो उनको बताते थे कि हिस्ट्री में ये आपको पढ़ना है, ये किताबें आप पढ़ लो, वो टारगेट लेते थे डेली कि आज इतने पेज पढ़ने हैं फिर सोना है, तो आज वो लेक्चरर है, तो एक टारगेट आपको देने वाला कोई हो और गाइड देने वाला हो सर, इसमें क्या होता है बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो क्या करते हैं एक कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो विश्वास नहीं करते कि भी ये चीज वही आएगी, तो क्या हो जाएगा, सारी किताबें सारी गाइडें अच्छी किताबों से सिलेक्शन होता है, उन्हीं से प्रश्न आते हैं, लेकिन बच्चे क्या है कि एक चीज को बार बार पढ़ नहीं पाते और घूमते रहते हैं, पहले ये पढ़ लिया फिर इसने ये बता दिया तो वो पढ़ लिया, उसमें दिक्कत हो जाती है, मैंने कहा भाई साहब ने जो मुझे दिया है वो कंफर्म वही पढ़ना है, उनके अलावा कुछ भी नहीं करना, तो वो चीज भी है कि जो किताब बताई उनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे पहला पेपर ले लो चाहे दूसरा पेपर सब्जेक्ट का ले लो, बच्चे के अंदर पढ़ते रहते हैं थोड़ी पढ़ ली याद कर ली उसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं मिलाते और वही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा ओमर आएगा, जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो चाहे एसआई थानेदार का हो, ऑब्जेक्टिव जब तक आप ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलाओगे तब तक जो हम सब वो अभ्यास अपन केवल पढ़ रहे हैं परंतु मैदान का प्रयास नहीं कर रहे, वे हथियार ले आए हथियार को चलाना नहीं सीख रहे, वहां तो ऑब्जेक्टिव देना है एग्जाम में, तभी टेस्ट सीरीज भी थोड़ा मायने रखती है, नहीं सर टेस्ट सीरीज मायने का बहुत ज्यादा मायने रखती है, जैसे आप चला रहे हो तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, बच्चे कहते हैं हमें सब आता है टेस्ट सीरीज क्या दें, लेकिन जब टेस्ट सीरीज दोगे आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे प्रीवियस ईयर जो पिछले जो सालों के प्रश्न आते हैं वो अगर मिलाओगे ना तभी आप परीक्षा में आपको ऐसे दिक्कत ही नहीं आएगी, इसको पूछो कितने प्रश्न निकाले सर इसने एक बार पूछो तो सही, अब मुझे कई बार कहते हैं कि आपका सच्ची में आप एमकॉम में क्यों हां, फिर आप एमए करके लेक्चरर लगे हो मैं क्यों हां लगाऊं, और आप कितने महीने तैयारी की 5-7 साल तैयारी की, मैंने कहा 6 महीने, सच्ची में
फिर मैं ये भी बताता हूँ कि हम तीन जने थे, तीनों का सिलेक्शन हो गया। तो कईयों के तो दिमाग में ऐसा नहीं आता कि यार तीन जने साथ में सिलेक्शन हुए तीनों के तीनों, और ये छह महीने पढ़ के फर्स्ट ग्रेड कैसे बना। उसका सबसे बड़ा योगदान यही था कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा, मैंने जहां तक मुझे याद है 60-70 हजार क्वेश्चन तो आराम से मिला दिया। 60-70 हजार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक ही किताब, ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ शायद है सर, देखना आगे कहीं है फोटोज, ये तो चोरी की है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव हुई थी ना ज्योग्राफी वाले में। हाँ चलो मैं दिखा ज्योग्राफी वाले में बता दूंगा, कंटेंट वाले में। तो ऑब्जेक्टिव की सर मार्केट में एक भी बुक हमने नहीं छोड़ी। जयपुर जाता था मैं टोंग फाटक के पास, जैसे यूथ की है, यूथ की तीन आती है, नेट जेआरएफ की अलग आती है, पीसीएस की अलग आती है, पेपर वाइज अलग आती है, टॉपिक वाइज अलग आती है, पहल की गाइड के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, किसी सर के मान लो अच्छी टेस्ट सीरीज है तो वो है, ठीक है ना, जहां से भी क्वेश्चन मिला समय का पूरा यूज़। मैंने तो यहां तक कर लिया सर कि जैसे पिछले पेपर है तो उसके दो पब्लिकेशन है, जैसे अरियंत वाला भी निकालता है, यूथ वाला भी उसी का, तो दोनों पब्लिकेशन लिया है मैं, दोनों को निकाल रहा हूं मैं, तो पहले उसको निकाल लिया फिर उसको निकाल। ऑब्जेक्टिव में तो क्या है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और व्याख्या वाले सर नीचे व्याख्या, हिस्ट्री में भी ऐसा है, मैंने बहुत सारे देखे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और वो अरियंत पढ़ के और वो लेक्चरर बन गए, है ना, तो ये होता है। और उसमें सर एक बात फिर जैसे अपन जो है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट इसमें मजेदार बात यह है कि जब हम तैयारी करते थे सर तब जैसे हम एक ही जगह पर रहकर दोनों तैयारी करते थे, फिर भी मैंने इनसे दो सेट मंगवाए हर चीज की, जैसे मान लो ज्योग्राफी की फर्स्ट ग्रेड की बात है तो दोनों सेम किताब दो आनी चाहिए, तो ये कहते कि एक सही, मैंने कहा सिलेक्शन कितने चाहिए दो, तो हर चीज की किताबें कितनी होनी चाहिए दो किताबें, मतलब जितनी किताब मेरे पास है ना उतनी उतनी उसके पास, एक भी पर्सनल पढ़ने का फायदा ना, पर्सनल नहीं पढ़ते तो साथ में थे लेकिन अपनी अपनी अंडरलाइन की भी किताब अपने पास थी, अब इनको कुछ हार्ड लगा मेरे को कुछ हार्ड लगा, कई भी दिनों तक मैं देखता हूँ किताब जैसी है ना वैसी पड़ी रहते हैं वो, बाकी मेरे से जैसे पढ़ते हैं ना तो अंडरलाइन करना, अंडरलाइन किताब के अंदर ना फेविकोल से पेज चिपका लेता था, भाई यही लिखना है इसको नोट करना, फिर ऊपर आशय है वहाँ ऊपर आशय लिखना है, मतलब किताब अपन को मतलब कहीं जगह नहीं मिलती थी किताब आगे पीछे चार पेज पीछे, ये मेरे को चांदमल सुखड़िया ने सिखाई थी, वो मेरे साथ तैयारी कर रहा था, उसने कहा गुरुदेव यहाँ चिपका लो आप, तो सर आप क्वेश्चन निकालने के मेरे ताजुब करोगे, हिस्ट्री में जैसे अपन फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में अपने इंडियन से जैसे टॉपिक है जैसे मुगल कालीन गुप्तकालीन गुप्तकाल की कला संस्कृति इस तरह से है, ठीक है, इसके अलावा 1857 की क्रांति वगैरह है, इस बार गांधी जी है, भगत सिंह है, तो इनके मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे तो यकम थे, तो मैंने क्या किया जैसे फर्स्ट ग्रेड के इतिहास के लिए नेट के लिए या पीसीएस के लिए बुक आती है 10,000 कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्ट की तैयारी करने वाला कर रहा, तो मैं वो लेके आ गया और जो जो मेरे टॉपिक थे वो छिन लगा लिए। अब जैसे मेरे वहां की लड़ाइयां वगैरह नहीं, युद्ध वगैरह नहीं, तो उनको छोड़ दिया, स्थापत्य स्थापित ध्यान रखनी है, हाँ। किताब मोटी रहे डरना नहीं है, अपने दर्शन उतने ही निकलेंगे ना 10-20 पेज काम के वो देखो, तो जैसे मैंने मौर्य काल के गुप्त काल के जो भी अपने सिलेबस में जैसे गांधी जी के हैं तो गांधी जी के कौन कौन से क्वेश्चन है, बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने हर टॉपिक के 200-150 क्वेश्चन मिल जाते हैं उसके अंदर, तो मेरे को पांच ही टॉपिक पढ़ने थे लेकिन मैंने 1000 क्वेश्चन वहां से निकाले, मन में इतना था कि अगर भूगोल वाले विद्यार्थी के इससे बाहर जाएगा ना तो वो किसी के से ही नहीं होगा। और सर 15 में से 15 जीके में मेरे राइट हुए थे, क्या बात है, हाँ सर हिस्ट्री वाले पार्ट में, हिस्ट्री वाले पोर्शन में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था सर, सारे राइट थे, क्योंकि मैथ तो मेरी कमजोरी थी, मैथ वगैरह ये तो मेरे को कम ही आ रहा था, साइंस तो भटका हुआ हूं मान लो, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था साइंस में मैथ्स में, तो ये तो मेरे लिए अननोन सब्जेक्ट थे एक तरह से, अब थोड़ा 40% वाला कर दिया तो मेरे वाले में भी 40% था, तो मेरे को पता था कि यहाँ नहीं खींच सकते अपन नंबर, तो मैंने जीके खींच लिया, स्कूल मैनेजमेंट खींचा अच्छे से, करंट आपकी इतनी अच्छी थी कि मेरे को कहीं दिक्कत ही नहीं आई भगवान की दया से, और फिर बुक जो प्रिफेयर कर रहे थे वो मैंने पढ़ ली, ठीक है, और राजस्थान जीके जुड़ा ही था उस टाइम, तो राजस्थान मेरे कॉलेज लेक्चरर में तैयार किया हुआ था तो वहां कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई, तो हिंदी है तो हिंदी ये ऐसा ही तैयारी किया हुआ था तो कभी इससे राय ले लेता था मैं, सर फर्स्ट पेपर में इसके मेरे से ज्यादा नंबर होने, क्योंकि आरएस की तैयारी की हुई थी ना, आरएस मेंस पे दे रखा, इसके लगभग 46-47 क्वेश्चंस राइट हुए थे फर्स्ट पेपर में मेरे 41 के आसपास, इसमें भी सर मैंने एक चालाकी की थी मैंने, जो कई बार क्या होता है बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग वाले हो चाहे किताब वाले हो अपन उस फ्लो में मजा आने लगता है, जैसे मान लो आपने टॉपिक है राजस्थान का कला व संस्कृति, इसका एक टॉपिक है लोक कलाएं, उसमें लोक नृत्य है लोक वाद्य यंत्र तो नहीं है, तो कोचिंग वाले या किताब वाले अपन को पढ़ने में मजा आता है, वो पढ़ते जाते हैं,
एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ लिया। तो मैंने एक चला क्योंकि मैंने एक जो अपने आती है जो बोर्ड आता है तख्ती बोलते हैं ना अपन इसको गत्ता, उसमें मैंने दोनों तरफ सिलेबस चिपका लिया, एक तरफ फर्स्ट पेपर का सिलेबस और दूसरी तरफ सेकंड। जब भी मैं पढ़ने बैठता मैं देखता ये टॉपिक है कि नहीं तो क्या फ्लो फ्लो में अपन दूसरे टॉपिक पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में होता ही नहीं। देखा है बड़ी बड़ी कोचिंग्स है ना उनके नोट्स में देखे हैं कई स्टूडेंट करते हैं तो हिस्ट्री है अब पांच क्वेश्चन आएंगे मान लो पॉलिटिकल के 150-200 पेज के नोट्स लिखा दिए 100-100 क्लास से दे दी पढ़ेगा। हमने इस चीज को थोड़ा नोट किया है और हमने एकदम सारगर्भित क्लासे लगाई है वो भी क्या पता उनमें से आएगा नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसको अपन को आराम से सिलेक्टिव चीज चाहिए। फिर आपने इनकी विशेषता तो बता दी कमी भी कोई बताना चाहेंगे मैं बताऊंगा नहीं रहने देते हैं नहीं नहीं बताऊंगा ना कमी क्यों नहीं कमी बिल्कुल बता दो यहाँ के रूप में ही है कमी में ही है सर कि खाने में अच्छा और सोने में जैसे ही मैं जाता ना वहाँ तो देखो थानादार बनना था खाओ पियो ठीक है अच्छी बॉडी जरूरी है सोना पड़ने के लिए जरूरी है खाने में क्या है कि सोने में सर इसके जैसे ही मैं जाता ना तो ये अपना काम करके जैसे मेरी छुट्टी होने वाली 4 बजे की और मैं घर पे पहुंचूंगा 4:30 तो ये अलार्म भर के सोता था 4:15 का कि भैया आने से पहले उठ जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि मैं जल्दी आ गया अब जल्दी आया तो अचानक गेट बज गया तो ये कि आंखों से ही उठ के आया था मैंने पकड़ लिया भाई सो रहा था क्या कि नहीं नहीं मनन कर रहा था मैं ये सोने वाला तो इसका आज भी सर इसने एक तो कभी खेलना नहीं छोड़ा कितना ही एग्जाम हो खेलना नहीं छोड़ा बैडमिंटन में ये अच्छा है बैडमिंटन अभी भी खेल रहा है शाम को डेली प्रैक्टिस है खेलना इसने नहीं छोड़ा खेलना सोना खाना ये नहीं छोड़ा इस जीवन का आनंद ले रहे हैं ना अच्छी बात है देखो परंतु मेन जो इनकी स्टडी जो जहां जिस चीज के लिए जो चीज चाहिए ना फर्स्ट ग्रेड के लिए कितना चाहिए पढ़ना लगभग वो इन्होंने तैयारी की वो समय इन्होंने दिया और उसका आज फल भी प्राप्त सर 226 रैंक है इसकी अच्छा पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है और मेरी 99 रैंक है वो तो सर मेरे फर्स्ट पेपर में मेरे मार्क्स कम है जिसके बीएससी बैकग्राउंड से हैं तो उनके जैसे 75 में से 65-67 क्वेश्चन राइट हुए तो उनकी अच्छी रैंक है चौथी रैंक है कि राजेंद्र कुमावत है से मुकेश चौधरी है जिसकी पहली रैंक है अपने क्या बात है अगर सब्जेक्ट के प्रॉपर नजरिए से देखा जाए ना तो जैसे अपने 150 सवाल आते हैं 150 से मैं मेरे तकरीबन मैं लगभग पूरे किए थे मैंने 140-142 के तकरीबन किए थे मैंने काट पीट के मेरे 115-116 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी के अंदर तो अब आप दोनों भाई इस लेवल पे हो तो जरूर कुछ ज्योग्राफी के लिए आप बच्चों के लिए कीजिए ऑनलाइन अपने जो बच्चे दूर दराज के चलो आप इधर सर के लिए आप कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं जो चाहे वो सिरोही का हो बारा का हो कोई ग्रामीण एरिया का हो कोई ढाणी में भी अपना वीडियो देख रहा है तो उनको आपका कंटेंट मिल सके तो टेस्ट सीरीज है क्लासेज है ऐसा कुछ आप तो सर आप जो विचार कीजिए तो ऐसा है कि सर इनको ज्यादा से ज्यादा जैसे मेरा एक फोकस रहा देखो आप भी अपना फोकस उस पर रखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाले तो इनको भी क्वेश्चनों के माध्यम से अपन तैयारी करवा सकते हैं जरूर जैसे एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन दे दिए इनको ठीक है और गलतियां कम से कम हो और उसमें ऐसा हो कि 100 में से 50-60 तो आए हुए क्वेश्चन हो और 50-60 अपने नए क्वेश्चन हो जो आरपीएससी के स्टैंडर्ड हो कई तो क्या करते हैं नेट वाले पेपर डाल देते हैं तो वैसे हाई लेवल के हो जाते हैं बच्चों के ठीक है और कई एकदम लेवल इतना डाल देते हैं कि इजी के चक्कर में कि वो लेवल का नहीं होता तो पेपर अपने लेवल का होंगे बहुत ज्यादा कठिन डालते हैं ताकि बच्चों को लगे ये सवाल कहाँ से ये कोचिंग वाले तो फिर तो सर मैंने 2-4 कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ली जरूर थी लेकिन इतने हार्ड डालते तो मैंने उसको छोड़ दिया था सर मैंने कहा कोई मतलब नहीं है इधर अपने तो जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है ना तभी हम पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं कि पहले आए हुए क्वेश्चन देखो फिर सिलेबस देखो उसके बाद में सिलेक्टिव तैयारी करो तो पहले पेपर के लिए बुक्स वगैरह है एक तो वो और उसके अलावा आपने ज्योग्राफी लिए क्या पढ़ा इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे बिल्कुल और उसके अलावा आप दोनों भाइयों का कोई और संदेश विद्यार्थियों को बताइए अंकित जी आप बताइए मेरी तरफ से एक ये संदेश है कि जो कोचिंग वाले हो चाहे अदर माहौल में हो कई लोग भ्रमित करने वाले बहुत होते हैं वो घबरा डाल देते हैं कि फर्स्ट ग्रेड है ये ऐसे 6 महीने में या 1 साल की तैयारी में होता थोड़ी है इसके लिए तपना पड़ता है तो मैं बच्चों को मजाक में कई बार कहता हूँ मैंने कहा तपने के लिए धूप बहुत है अपन को मेहनत तरीके से करनी है और 6 महीने हो चाहे 1 साल अगर आप ढंग से
सिस्टमेटिक ढंग से जो भी तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है कि हम तो 5 साल से पिछली 3 भर्तियां दे दी अभी नहीं हुआ। मेरा पहली भर्ती में जनरल रैंक से 226वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ केवल 6 महीने की तैयारी में। तो आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, सिस्टम 3 ही सिस्टम है, जो किताबें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, दूसरा जितने ज्यादा PYQ मिलाओगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में, और तीसरा यह है कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। ये कई बार कहते हैं कि भी मेरा होगा कि नहीं होगा, ये डर सबको लगता है, लेकिन बस अपन ने अगर मेहनत की है तो सरस्वती माता अपना ऋण कभी नहीं रखती, वो अपना ऋण कभी अपने पास नहीं रखती, वो अपन जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा ही जो भुगतान करती है पे करती है। बिल्कुल एकदम सत्य बात है ये। आप अजय जी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भर्ती कभी भी आए सर, तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। एक छोटा सा मैं वाक्य सुनाता हूँ। एक किसान और बादलों के बीच बहस हो गई, तो बादलों ने कहा कि हम अब 10 वर्ष तक नहीं बरसेंगे। तो सारे किसानों ने अपने हथियार वगैरह जो भी अपने औजार वगैरह है सारे समेट के कर दिए। एक किसान क्या खेत जोतने जा रहा है, उसको पूछा एक बादल ने, कह रहा है तू क्या कर रहा है खेत जोतने, कैसे जा रहा है? कि मेरे को ये डर है कि आप 10 वर्ष बाद बरसोगे और कहीं मैं उन 10 वर्ष के दौरान खेत बोना ही भूल जाऊं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूं। और वो चला गया अपना काम करने लगे। बादलों ने भी सोचा कि यार अगर अपन 10 वर्ष नहीं बरसे तो अपन भी बरसना भूल जाएंगे। तो फिर उसने क्या किया, बरस गया वो। और बरस गया तो किसान की फसल अच्छी। सेम अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही होता है कि अगर अपन छोड़ देंगे तो अपन अपना भूल जाएंगे। तो मैं बच्चों से या अपने छोटे भाइयों से इसको भूगोल दिलाई, छोटे भाई घर में भूगोल दिलाई, आज भी कंटिन्यू लगा रहता हूं। तो इसका एक ही कारण है कि कंटिन्यू रहना है। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कंटिन्यू। मेरा टारगेट यही है। वो कछुए वाली मैं बताता हूं बात, मैं इसके गाने में सुना सकता हूँ सर। सुनाता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरगा, खरगा मतलब खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरगा कुछ पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। जय बजरंगी जय जय काली हर हर बम बम बोलो बेली, जलिया वाला बाग माए ने डायर जुलम करो भारी, भरी सभा में गोलियां दागी मरिया घना ही नर नारी, उधम सिंह जद जाए बिलायत वीर गोली मारी रे बेली, जय बजरंगी जय जय काली हर हर बम बम बोलो बेली। क्या बात है। अरे सर जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जैसे बिजराल की पहाड़ी है, जैसे बिजराल की पहाड़ी है उसे कौन सी नदी लग रही, तो मैंने ऐसे याद रखा राजा जब बिकराल होता तो खारा होता है, तो बिजराल से कौन सी है, खारी नदी है। कठोर, कठोर क्या होती है, दीवार होती है। तो कोठारी नदी कहां से निकलती है, दिवेर की पहाड़ी से, मेज मेज कठोर होती है, तो मेजा बांध कोठारी नदी। तो मतलब अपने जैसे साइको है, साइको में जैसे आपकी वो फॉलो करता हूं मैं आपको, जैसे साइको में जैसे अपने आता है इंडिया वर्ड याद रखो, तो इंडिया से आई को साइलेंट कर दो, एन से हो गया नीड, अब आप देखना डी से हो गया ड्राइव, ई से हो गया इंसेंटिव उत्प्रेरक, और लास्ट में आया ए से हो गया एम लक्ष्य। तो ये तो अपन ऐसे जैसे आपने आप बताते हो जैसे मेरे को जैसे तरल सिद्धांत किसने दिया, तो केतली में क्या होता है तरल होता है, तो केतली ने दिया तरल। कैर व खेगा सिद्धांत किसने दिया, अरे यार तेरे को कैर व खे नहीं आ रहे, मेरे को तो बड़ा हेप आ रहा है, तो हेब ने दिया। जैसे सर मेरी उंगलियों में मेरी ज्योग्राफी है ना सर, ट्रिकों से याद है। और मेरे को कई बच्चे पहले चिढ़ाते भी थे मेरे साथ वाले की यार तू तो नहाता है तो भी ट्रिक, खाता है तो भी ट्रिक, तो आज और मेरे को कहते थे ट्रिक जी के आ गया, तो आज मैं उस नाम से फेमस हूँ सर, ट्रिकी जी के। और बच्चों को भी अपन क्लास में या जब भी मेरे भाई बहनों को पढ़ाता हूँ तो ऐसे कोई भी चीज अपन याद करवा देते। मैंने ऐसे ट्रिकों के माध्यम से जो पूरी दुनिया है उसमें 193 देश, सब देशों की राजधानी मुझे याद है, कोई से भी जगह। अमेरिका की बताना, अमेरिका की जो अमेरिका वाले हैं वो पैसे वाले, और पैसे वाले लोग
अपने घर पे कपड़े हाथ से नहीं धोएंगे, वो किस में धोएंगे? वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन से वॉशिंगटन डीसी। जैसे एक यूरोप माध्यम का देश आया था एक बार सेकंड ग्रेड में कि अल्बानिया की राजधानी, अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं आया कि अल्बानिया, सुना हुआ ही नहीं है। लेकिन अपन को पता है गाँव में जो बनी होती है वो काई की दुकान करते हैं, किराना की, किराना की करते हैं, और किराना से उसकी राजधानी है तिराना, अल्बानी की राजधानी तिराना। सारी जो पूरे जैसे बहुत सारे कमेंट करने वाले होते हैं, खुद पे बनाई हुई होनी चाहिए तो आपके कहीं दिक्कत नहीं आती। जैसे चार बोध संगीतियां हैं, रवि पाक एके चारों बोध संगीतियां स्थान हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए जैसे अपना संविधान की प्रस्तावना याद करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पननिष्पक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म स्वतंत्रता ऐसे मतलब मेरे को सब कुछ मतलब अपन को अंगुलियों पे याद है। तो इसलिए क्या है कि कभी कभी जैसे अनुच्छेद है तो अनुच्छेद मेरे को लगभग लगभग याद थे, जो मेरे काम के थे वो सारे मैंने रख लिए थे। उसकी ट्रिक मैंने बना रखी थी, महाभियोग है जैसे राष्ट्रपति वाला है, राष्ट्रपति में 61 में महाभियोग है, तो 61 को मैंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रखा था एफ ए, 6F बन गया, और ये फादर क्या होता है, महान होता है। तो ऐसे मैंने याद रखा महाभियोग 61 में महाभियोग है, 61 का वैसे भी है, जैसे 61 को आप उल्टा कर दो तो गय बनेगा, तो याद होना चाहिए पढ़ने से, मैं ज्यादा कम पढ़ने विश्वास, याद करने में ज्यादा विश्वास में तो अपना माइंड जा रहा है ना, नोट्स किताबें तो घर पे रह गई, और वो ट्रिक्स जब याद रहेगी जब आप उसकी ऑब्जेक्टिव भी निकालोगे सर, वरना क्या वो ट्रिक्स मिक्स होने लग जाएगी धीरे धीरे और उसको बार बार रिविजन करोगे। चीजें तुरंत याद आ जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, और एग्जाम में कंफ्यूजन ही तो है। जैसे ऑप्शन है छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वॉलीबॉल में एक टीम में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है, तो जयपुर साइड में जाते हैं तो बोली कैसे होती है, काई करो छे, टंडे जाओ छे, कैसी बोली पढ़ो छे, कैसी कोचिंग में जाओ छे, तो हर बोली के पीछे छे आता, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ी संख्या कितनी होगी, कबड्डी में 7 देना पड़ता है तो खिलाड़ी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। जैसे आपके वो गुरु है जैसे गुरु नानक है, जैसे मैंने याद रखा है पहलो टाबर आपने लगभग नानेराम जन्म तो पहलो नानक हो गया, अंग 2 है तो गुरु अंगद हो गया, अमर अकबर थे 3 भाई तो अमरदास 30 हो गया, राम और कितने भाई थे 4, अर्जुन तो राम दास 4 हो गया, अर्जुन और कितने भाई थे 5, तो अर्जुन देव कितने हो गए, ऐसे याद करेंगे सर क्या करें। ये देखो आज इतना सारा कंटेंट है उसको याद रखना सर, मेरे को सारा ज्योग्राफी का ना जैसे हमारे 120 एक टॉपिक है राजस्थान और भारत के मिला के, मेरे को प्रत्येक कंटेंट 120 जो टॉपिक है अंगुलियों पे प्रक्षेप होते हैं। मैप स्टडी भी बहुत अच्छी है सर मेरी, कौन सा देश कहाँ है उनको याद है ना, जहाँ ट्रिक बनानी होती वहां बनाते हैं, जहाँ मैप स्टडी जरूरत होती है ना सर वहाँ मैप स्टडी करता हूँ। तो अपने बच्चों को ज्योग्राफी आपसे पढ़वाएंगे तो करते हैं ये फिर समापन। और कोई आपको नहीं सर, हाँ बहुत अच्छा लगा सर, अपने गुरुओं को जब देखते हैं अच्छा लगता है। मैं आपसे लगभग 2012 की बात है, 12 से है। इनको ज्यादा वाकपटुता नहीं है इनके अंदर, जैसे अपन यूट्यूबर देखते हैं बहुत सारे व्यू तो बना लेते हैं लेकिन सिलेक्शन कहां से लाओगे आप, तो इसलिए आप गंभीर अभ्यर्थी ही इनसे जुड़े हुए हैं और आप सबको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो एक बार अपने ये जो अपना जो मोटिवेशनल जो वीडियो है आप जरूर देखें, और जो डीमोटिव हो रखा है उसको जरूर दिखाएं जिंदगी में, क्योंकि मैंने 26-27 एग्जामों में असफलता प्राप्त की है और इसने भी कम से कम 20-22 एग्जामों में असफलता प्राप्त की है। दे तो जकामी असफल, और नेट का मैंने शुरू में दिया था सर 5-6 में, नेट में भी मेरे को कंटिन्यू असफलता मिली लेकिन बाद में मेरे जीआरएफ भी हो गई, नेट भी हो गई और इसकी भी हो गई है ना, अभी अभी रिजल्ट आया अभी कल परसों, इसमें भी वापस नेट हो गई इसकी और सेट भी हो गई सर हम दोनों की है ना। तो एक ही चीज है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित कभी नहीं, मेरी टैगलाइन ही जिंदगी है ना, बिल्कुल सोना सोना ही रहेगा।
कड़ी मिट्टी में रख दो सेकंड, उसकी कीमत वही रहेगी, वही बात है। तो आपने देखो अपने एकदम हमने सीधी बातें की, एकदम फैमिली की तरह, और जो इनका अनुभव था वो आपको बताया, और निश्चित रूप से इनका जो संघर्ष है, इनकी मेहनत है, वो इनकी बातों में, इनके व्यक्तित्व में, इनके चेहरे पे झलकती है कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत करके, और चूंकि बड़े हैं तो बड़े को थोड़ा ज्यादा संघर्ष, जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, संघर्ष करना पड़ता है, छोटों की अपनी चुनौतियां होती है, अपने दायित्व होते हैं। तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा अपना ये सेशन रहा, और विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी। करते हैं फिर समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद कि आप पधारे, आपको नई एनर्जी मुझे भी आपने प्रदान की, धन्यवाद।